मेरा क्षेत्र के देवली में रामलीला तीसरे दिन भी जारी, देखने के लिए स्थानीय लोग उमड़ रहे हैं। राम को राजा बनने की घोषणा सहित कई प्रस्तुतियां दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अकलेरा क्षेत्र के ग्राम देवली में आदर्श नवयुवक मंडल की ओर से चल रही रामलीला में तीसरे दिन दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा, कैकेयी का वचन मांगना और सुनी अयोध्या का दृश्य दिखाया। रामलीला मंचन के दौरान एक दिन अयोध्या में राजा दशरथ महल में बैठे थे। उन्होंने दर्पण में मुंह देखा तो सिर के बाल सफेद नजर आए। इसके बाद राम को राजा बनाने का विचार बन गया है। उन्होंने पूरी प्रजावासियों को इस बात के लिए सूचित किया कि कल राम का रासलीला किया जाएगा। इस बात की खबर जब मंथरा को लगी तो मंथरा कैकेयी के पास आई और बोली कि अगर राम को राजा बना दिया तो तेरा भरत हमेशा दास बनकर रहेगा और तू दासी, इसलिए मैं कहती हूँ कि देवासुर संग्राम के समय तो तूने दशरथ से वचन मांगे थे, वह दो वचन आज दशरथ से तू मांग ले। पहला वचन भरत को राजा, दूजा वचन राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। इससे रानी कैकेयी का मन भटक गया और वे कोप भवन में जाकर बैठ गई। इसके बाद जब राजा दशरथ कैकेयी से मिले जाते हैं तो वह वचन मांग लेती है। राजा दशरथ वचन को पूरा करते हैं और फिर पिता राम की आज्ञा अनुसार वन में जाने को तैयार हो जाते हैं। इनके साथ सीता माता चलने की कहती है तो राम कहते हैं कि कटीली झाड़ियों में कैसे चल पाओगी। तब सीता कहती है कि जब दर्शन सुखमय का होए तो कानन संकटमय कैसा, सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। इस तरह सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने को तैयार हो जाते हैं।